हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। क्लास 10 का है, चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये मेथड स्पेसिफिक मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सबसे पहले मैं इसका मीनिंग बता दूं आपको कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये एक्चुअली पूरा नहीं लिखा हुआ है, इट इज कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो जो भी यहां पर दिया होता है इक्वेशन को, उसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना होता है। इट इज ट्रिक, यू नो, कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे लेके आना है। तो ये हमने क्वेश्चन लिखा है, इसमें सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन में क्या करना है, यू नीड टू रिमूव द कांस्टेंट एंड टेक इट ऑन द अदर साइड। तो यहाँ पर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 9x² - 15x is equal to -6, या उधर जाके -6 हो गया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है आपका, सेकंड स्टेप है ये 9x² जो है, फर्स्ट वेरिएबल x² वाला, इसको हमने 1x² की फॉर्म में लेके आना है। अगर वो 2x दिया है, 3x दिया है, कुछ भी दिया है, तो उसको 1x की फॉर्म में लेके आना है। और ये कैसे हो सकता है, डिवाइडिंग होल ऑफ द इक्वेशन बाय 9। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, इट इज, यू नो, 9/9x² -15/9x is equal to -6/9। ऐसे करके हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो इट विल बी, यू नो, x² माइनस ये आएगा 15/9x is equal to -6/9। यू कैन टेक इट -6/9 और यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट, इट कैन बी -2/3। ऑलराइट, तो अब इसकी ये सेकंड स्टेप हमने कर लिया है, वी हैव डिवाइडेड दिस बाय द सेम नंबर टू फिनिश इट अप, राइट। उसके बाद हमने क्या करना, उसके बाद दोस्तों एक ट्रिक और है, द थर्ड स्टेप ये आता है हमारे पास, कि जो 15/9 है, 15/9 को हम इसका सबसे पहले तो हाफ करेंगे, इट विल बी 15/18, ठीक है। अब 15/18 हमारे पास ये नंबर आता है, दिस इज द रफ वर्क एक्चुअली टू कैलकुलेट, ठीक है। 15/18 आता है, तो ये दोनों साइड इसका स्क्वायर ऐड करना है, तो क्या बनेगा हमारे पास, x² -15/9x, और फिर वो दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो इट विल बी, यू नो, 15/18, राइट, इट लाइक दिस। और ये भी हो जाएगा इस साइड में 2/3 एंड प्लस 15/18, राइट, लाइक दिस। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। इसके बाद इसको a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में, a प्लस बी और a माइनस बी जो भी आपके पास आएगा उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है। ऑलराइट, लेट मी इरेज दिस, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। ये आप नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। तो इसको हम लेके आएंगे, तो ये क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ये बनेगी x माइनस 15/18, राइट, 15/18 ये बन गया है। अब इसका जो है, या तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन टेक इट लाइक दिस ओनली, तो इज इक्वल टू, दिस इज, यू नो, -2/3 प्लस 225/3 to 4, राइट, हाँ, 3 to 4। तो ये हमने इसका स्क्वायर का सलूशन दिया है, इसको हम एलसीएम निकाल के फिर फर्दर ऐड अप या सबट्रैक्शन जो भी होगा वो आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट इसको हम ऐसे ही रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो इट विल बी, यू नो, x माइनस 15/18, दिस इज होल स्क्वायर, व्हाट यू गॉट, तो इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम के हिसाब से, इट इज 324, इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी, यू नो, 108 and 216, सो दिस इज -216 और दिस इज 225। Let me erase this. Yeah. तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो दिस इज, यू नो, x माइनस 15/18 ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप भाई, अब दीज आर अपोजिट साइंस सो दे विल बी सबट्रैक्टेड एंड यू गेट हियर 9/324, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन आ गया, इसके इसके बाद फर्दर आपको वैसे आता ही है, you need to finish this up, इस square को खत्म करना है। तो what we can do, we can, you know, and the next step we can do x minus 15/18, that is whole square,
सो यहाँ पर स्क्वायर रूट डालिए क्योंकि इसको खत्म करना है। तो दिस इज 9324, ये दोनों से अप हो जाएंगे आपके, एंड लेट मी इरेज दिस नाउ। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा दिस इज एक्स माइनस 15 अपॉन 18, स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायर रूट कर दिया है। एंड अनदर साइड इट विल बिकम 3 अपॉन 18। इसको आप फर्दर डिवाइड से सिंपलीफाई भी कर सकते हो, लेकिन आई थिंक देयर इज नो नीड टू डू इट। तो इसके बाद हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, एंड दिस इज प्लस माइनस बोथ, क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट में दोनों ही साइंस आएंगे, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यू नीड टू सॉल्व इट इंडिविजुअली। तो इसको आप उस साइड लेके आएंगे, इट विल बिकम यू नो, लेट्स टेक प्लस फर्स्ट, हम पहले प्लस प्लस वाला ले लेते हैं। तो ये उधर जाके भी प्लस हो जाएगा, इट विल बी 15 अपॉन 18, एंड फर्दर यू इफ यू यू नो टेक दी एलसीएम तो यू गेट दिस इज 18 अपॉन 18 एंड दिस इज 1, ये आपके पास एक उसका आंसर आता है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर प्लस किया था, यहाँ पर आपने प्लस ले लिया था 3/18 को। अब जो दूसरा सिनेरियो हमारे पास आता है, वी गोना टेक द -7 माइनस साइन ऑफ दिस, दिस कैन बी -3/18 +15/18। तो यहाँ पर ये आता है 18 एंड दिस इज -3 +15 एंड दिस इज 12/18। एंड फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद सेक्स, यू नो इट विल बिकम 2/3। तो एक्स की यहाँ पर दो वैल्यूज निकलती हैं, एक्स इज 1 एंड अनदर इज 2/3। तो दिस इज द सॉल्यूशन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कुछ ज्यादा नहीं है, सबसे पहले आपने कॉन्स्टेंट दूसरी साइड लेके गए, फिर आपने जो एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल था वो खत्म किया, फिर उसका हाफ करके स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड करना है, उसके बाद सॉल्यूशन, यू कैन सॉल्व इट फर्दर। बस इतना ही है, अगर फिर भी किसी को भी डाउट होता है कैन कमेंट मी, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन, आई विल बी एट योर सर्विस, थैंक यू।